नमस्कार मित्रों, आज हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे घर में किस तरह एक पक्षी बुलबुल ने एक अपना घोंसला बनाया हुआ है एक विशेष जगह पे, और किस तरह अपने अंडों को वो सहेज रही है। इसके बारे में पूरा वीडियो होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तो सामने बैठी तार में ये चिड़िया बुलबुल है और इसका एक जोड़ा भी है, तो दोनों पक्षी हैं, आते जाते रहते हैं। ये हमारे घर तक आते हैं और उसके बाद ये फुर से उड़ जाते हैं। तो यहीं पर आकर घर में बिल्कुल तार में बैठ करके चहचहाते हैं। थोड़ी भी आवाज़ अच्छी लगी तो एक दिन जो है हमने देखा कि कैसे बार बार यहीं आ रहे हैं, तो फिर मैंने इसको सर्च किया तो पता लगा कि यहाँ पर हमारे घर में इन लोगों ने जो है मनी प्लांट पौधे के अंदर जो है जगह बनाई है, घोंसला बनाया है और उस घोंसले में जो है अंडे देने की तैयारी कर रहा है। आज इस समय हमने देखा कि उसके अंडा दे चुके हैं ये पक्षी। ये पक्षी जो बैठा बड़ा प्यारा पक्षी है, इसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत होती है। इस समय तो चहचहा नहीं रहा है, चहचहाता है तो इसकी आवाज़ सुनिए, आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो अभी देखो बोलेगा आवाज़ तो उसमें आवाज़ भी आपको सुनाएंगे। अभी बोल नहीं रहा है क्योंकि देख रहा है कि सामने हम हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा। पर अकेले में जब वो अपने घोंसले के पास आते हैं दोनों पक्षियों का जोड़ा तो ये चहचहाता है। तो ये एक साथ बच्चे जो हैं अंडे देने के बाद जो बच्चों का जो अंदर सृजन हो रहा है वो पालने की प्रक्रिया है, तो बार बार उस अंडे को सेने के लिए आते हैं, केयर कर रहे हैं, क्योंकि तो उसमें अंडे में उनका बच्चा पल पोस रहा। तो ये प्रक्रिया है। वहाँ पर एक घर पौधे लगे हुए, फूल लगे हुए हैं, तो उसमें ये पक्षी जो है रहते हैं। हमारे घर में भी यहाँ पर लगे हुए थोड़े पेड़ पौधे, तो इन पेड़ पौधों के बीच में ये जो है ये मनी प्लांट देख रहे होंगे आप। मनी प्लांट हमने लगाया है। मनी प्लांट में यहाँ पर ये सुंदर मनी प्लांट है, तो ये मनी प्लांट हमने लगा दिया है यहाँ पर। तो मनी प्लांट के अंदर ही इस बुलबुल चिड़िया ने ये दिखाया अभी आपको, यहाँ पर जो निकल गई बुलबुल चिड़िया का छत्ता है इसी जगह। अभी चिड़िया ये देखिए आप, ये छत्ता बना हुआ है बुलबुल चिड़िया का छत्ता, नेस्ट बने घोंसला। ये बुलबुल चिड़िया का घोंसला है, इसमें बच्चे अच्छे अंडे भी दिया है, तो इसमें के लिए रोज आते हैं। ये देखिए अंडे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं ये अंडे हैं। तो इसमें ये बुलबुल चिड़िया रोज आती है अपने बच्चों को, पर ये है कि बहुत हम लोगों को भी सावधानी रखना पड़ता है, यहाँ पे बिल्ली के आने का डर रहता है, तो कोई दूसरा पक्षी ना आ जाए। तो हम लोग जब से जान गए तब से बहुत सावधानी आ चुकी है चिड़िया। यहाँ पे तार में आ गई अब सामने। अभी धीरे से छत्ता के पास में जाएगी, छत्ता माने जिसको हम घोंसला कहते हैं देसी भाषा में, छत्ता कहा जाता है। तो उस घोंसले से चिड़िया आएगी। अभी दूसरा जोड़ीदार भी उसके पास में आने वाला है, अब उनको लग रहा है कि कोई खतरा नहीं है। तो अभी देखो पहले सर्च करते हैं पक्षी, कोई खतरा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि शिकारी लोग हों हमें घुमा दें। तो ये पक्षी जो पहले बैठेंगे, उस समय बाद देखो दूसरा पक्षी भी वो जोड़ीदार तार में आ गया है। तो तार में उसका दूसरा जोड़ीदार भी आ चुका है। ये देखिए एक ये बैठा है सामने, जोड़ीदार सामने, और एक ये यहाँ बैठा है, एक ये बैठा है सामने और एक उस तार में बैठा है, ठीक है। ये देखिए अब उड़ के आया है एक पक्षी, अब ये सामने दोनों आ गए, तो दोनों पक्षी आ गए सामने। अब यहीं चूँकि दोनों बैठे हुए हैं, अब धीरे से जाएंगे, जब उनको लग रहा है कि हमको खतरा नहीं, चोट नहीं पहुंचाएंगे, तभी वो जाएंगे छत्ते पर। अभी उनको डर हो गया है कि ये आदमी जो है खतरा तो नहीं पैदा कर देगा जो वीडियो बना रहा, इसलिए
अभी वो सहज नहीं है। जब अपने को लगेगा कि ये हमारे मित्रवत भाव रखते हैं, कोई खतरा नहीं पहुँचाएंगे, तभी ये छत्ते कभी उड़ गया पक्षी। अब दूसरा जो है एक पक्षी बैठा हुआ है अभी, वो भी कुछ देर में आएगा घूम फिर करके, पर ये छत्ते के पास जाएंगे, उसमें अंडे हैं। अंडे केयर कैसे कर रहे हैं, पक्षी अपने अंडे की देखभाल कैसे करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कितनी कितनी देर में आते हैं। और क्योंकि माता पिता है पक्षी जिन अंडों को जन्म दिया है, उसमें से कुछ दिन बाद बच्चे निकलेंगे, तो जीव जो होते हैं अंडा जो होते हैं और एक देखो ये उड़ गए और एक अंडा जो होते हैं और इसी के जन्म देने वाले जीव होते हैं। जय हिंद मित्रों, आज मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि हम सब लोग आपको पर्यावरण के प्रति जागरूक करें, क्योंकि पेड़ पौधे जीव जंतुओं के आवास और प्रवास के लिए जरूरी है। उसी तरह मनुष्य के लिए न सिर्फ पेड़ पौधे जरूरी हैं, बल्कि उन पे आश्रय पाने वाले जीव जंतुओं की आवश्यकता है। जिस तरह प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पेड़ पौधे उपलब्ध कराते हैं, उसी तरह हमें जीव जंतु भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फायदा पहुंचाते हैं। ये कड़ी पर्यावरण की सारे जीव जंतुओं में आपस में जुड़ी हुई है। यदि मनुष्य को विकास करना है तो पर्यावरण को पहले बचाना होगा। इस तरह मेरा वीडियो समाप्त हुआ।